Hey guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले WWE से जुड़े कुछ और ताज़ा अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रैंडी ऑर्टन रिडल का जो स्प्लिट होने वाला था रेसलमेनिया 38 में, वो अब कैंसिल क्यों हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने क्या रिस्पॉन्स दिया केविन ओवेंस के ओपन चैलेंज को। उसके बाद हम बात करेंगे कि अल्बर्टो डेल रियो ने ऐसा क्या पोस्ट किया जिससे उनके फैंस सोचने लगे कि वो WWE में जल्दी रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑमस ऑफिस कमांडर अजीज जायंट वर्सेस जायंट मैच क्या रेसलमेनिया 38 में हो सकता है। और लास्ट जो हम बात करेंगे कि WWE के सेट रॉलिंस के लिए रेसलमेनिया 38 में क्या प्लान्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत समय से ऐसे र्यूमर सामने आ रहे थे कि रैंडी ऑर्टन और रिडल की जो टैग टीम है वो जल्दी रेसलमेनिया 38 के पहले अलग हो जाएंगे और रेसलमेनिया 38 में हमें एक ब्रो वर्सेस ब्रो मैच देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन और रिडल के बीच। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ के बाद WWE ने यह पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन और रिडल रेसलमेनिया 38 के पहले स्प्लिट नहीं होने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ में उन्होंने आज रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को वापस अपने नाम कर लिया है और रेसलमेनिया 38 में रैंडी ऑर्टन और रिडल हमें साथ में दिखेंगे अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए। और रैंडी ऑर्टन ने मैच के बाद कहा कि वो रेसलिंग पिछले 20 साल से कर रहे हैं लेकिन जितना मज़ा उन्हें अभी आ रहा है सुपर किंग ऑफ ब्रोस यानी कि रिडल के साथ, उन्हें उतना मज़ा कभी भी अपने करियर में नहीं आया है। तो इससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि रैंडी ऑर्टन और रिडल रेसलमेनिया 38 के पहले तो अलग नहीं होने वाले, हमें शायद समर स्लैम तक उनका स्प्लिट देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर। तो मंडे नाइट रॉ में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच हारने के बाद केविन ओवेंस रेसलमेनिया 38 के लिए अपना स्पॉट जब नहीं ढूंढ पा रहे थे तो उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को चैलेंज करा कि वो रेसलमेनिया 38 में आए और उनके द केओ शो को अटेंड करें उनके होम टाउन में और उनसे एक स्टनर खाएं। इसके रिस्पॉन्स में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कहा कि वो रेडी हैं केविन ओवेंस के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए, चाहे वो कोई मैच हो या ब्रॉल हो या कुछ भी हो, केओ शो हो, वो सभी के लिए रेडी हैं। तो अब हमें शायद रेसलमेनिया 38 में केविन ओवेंस से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच भी देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टीव ऑस्टिन ने केविन ओवेंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और वो मैच खेलने के लिए भी तैयार हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्बर्टो डेल रियो के बारे में। तो अल्बर्टो डेल रियो ने अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ दिख रहे हैं। तो उनके कुछ फैंस यह नज़र लगा रहे थे कि शायद वो WWE में जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं, नहीं तो वो फिन बैलर जो अभी US चैंपियन बने हैं उन्हें कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो अभी ये तो क्लियर है नहीं कि वो इस फोटो से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो WWE में रिटर्न करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर होगी उनके फैंस के लिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो मंडे नाइट रॉ में हमने सिंगल्स मैच देखा अपोलो क्रूज और ओमोस का, जिसमें ओमोस ने अपोलो क्रूज को बुरी तरह से हरा दिया। और मैच के बाद हमने देखा कि ओमोस और कमांडर अजीज जो कि अपोलो क्रूज के टैग टीम पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे को स्टीयर कर रहे थे। तो इससे ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि रेसलमेनिया 38 में ओमोस वर्सेस कमांडर अजीज जायंट वर्सेस जायंट मैच शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की जो हमारी लास्ट अपडेट है वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के रेसलमेनिया 38 को लेकर प्लान जो WWE का है उसके बारे में। अभी तक WWE ने सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का जो प्लान है वो फैंस के सामने रिवील नहीं करा है और अभी तक सेथ रॉलिंस का जो भी रोल होगा रेसलमेनिया 38 में उसको लेकर दो बड़े र्यूमर सामने आ रहे हैं। पहले तो ये है कि कोडी रोड्स जिनके र्यूमर्स हैं कि वो WWE ज्वाइन करने वाले हैं, वो जल्दी अपना रिटर्न करेंगे और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 38 में एक मैच के लिए। तो अब ये मैच होता है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सेकंड जो र्यूमर है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में वो ये है कि उन्हें ऐड करा जाएगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच में, क्योंकि रॉयल रंबल 2022 में सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस ने डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था, उन्होंने उन्हें क्लीन तरीके से नहीं हराया था। तो अगर WWE उस स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़ती है तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को उस मैच में ऐड शायद वो कर सकते हैं और अगर सेथ रॉलिंस उस मैच में होते हैं तो हमें एक क्लीन विनर देखने को मिलेगा, क्योंकि WWE रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में डायरेक्टली हारते हुए नहीं दिखाएगी। तो अगर सेथ रॉलिंस उस मैच में आ जाते हैं तो वो मैच और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये थे WWE के कुछ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए।